हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल वी एन इहाना पर। तो आज एक बार फिर हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है धरती के स्वर्ग कश्मीर की एक बहुत ही खूबसूरत जगह गुलमर्ग के बारे में। इस वीडियो में हम आपको गुलमर्ग से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारियाँ देने वाले हैं। तो इन सबको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को। गुलमर्ग से करीब 10 किलोमीटर पहले इन बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होकर कुछ ही देर में आप पहुंच जाएंगे गुलमर्ग के टैक्सी स्टैंड, जहां पर आप अपना व्हीकल पार्क करके यहां से आप गुलमर्ग की यात्रा घोड़ों के साथ या फिर पैदल ही शुरू कर सकते हैं। अगर गुलमर्ग में पर्यटन स्थलों की बात करें तो सबसे पहले आप महारानी मंदिर जा सकते हैं। एक्चुअल में ये मंदिर शिव जी का मंदिर है, जो कि गुलमर्ग में एक छोटी सी पहाड़ी पर मौजूद है। इस मंदिर से आपको गुलमर्ग के चारों ओर का नज़ारा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई देता है। तो यहां आप देख सकते हैं मंदिर की जो लोकेशन है वो सच में बेहद खूबसूरत है। मंदिर के पीछे का जो बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड के साथ में बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, इस नज़ारा सच में बेहद शानदार लगता है। मंदिर में महादेव के दर्शनों के बाद आपकी सफर की थकान तो यूं ही उतर जाएगी, और दर्शनों के बाद मंदिर के चारों ओर की इन खूबसूरत नज़ारों के बीच और यहाँ चलने वाली बहुत ही ताज़ी ताज़ी हवाओं के साथ आप अपने आप में बहुत ही फ्रेश एनर्जी फील करते हैं। इस मंदिर से गुलमर्ग के चारों ओर का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखता है, क्योंकि ये इतनी हाइट पे है, आपको एक वॉच टावर जैसे फील आता है और चारों ओर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए हमने किसी भी तरह का घोड़ा आदि नहीं किया था, हमने सोचा था कि गुलमर्ग हम पैदल ही घूमने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग थे जो घोड़े के लिए हमें टैक्सी स्टैंड से ही हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे गुलमर्ग को चारों ओर से ऊपर से देखने के बाद और जो घोड़े वाले हैं उनसे काफ़ी सारे डिस्कशन और काफ़ी नेगोशिएशन के बाद हमने फाइनली घोड़े किए आगे की जो हमारी जो जर्नी थी गुलमर्ग की उसको पूरी करने के लिए। और इस मंदिर के बाद हम आगे की जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं हमने घोड़ों से ही कवर किए। तो घोड़े वालों ने हमें सबसे पहले जो महाराजा हरि सिंह पैलेस है उसके मेन गेट के पार्ट यहाँ पे उतार दिया। आप देख सकते हैं सभी घोड़े वाले यहीं पे आपको मेन गेट के बाहर उतार देते हैं, जहाँ से करीब करीब 5 मिनट की छोटी सी वॉक के साथ आप जो पैलेस है वहाँ तक ईजिली पहुँच सकते हैं। जो चारों ओर ये जो ऊंचे ऊंचे देवदार के जो यहाँ पे पेड़ हैं उनके बीच में जो ये पैलेस है वो सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है। जो लोकेशन है वो बहुत ही शानदार है यहाँ की। पैलेस के अंदर भी आप जा सकते हैं, उसके लिए ₹50 का आपको टिकट परचेज करना होता है। यहाँ महाराजा हरि सिंह पैलेस देखने के बाद हम अपने नेक्स्ट जो टूरिस्ट पॉइंट है उसके लिए निकल जाते हैं। वैसे आपको गुलमर्ग में किसी भी टूरिस्ट पॉइंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। आप देख सकते हैं जो रास्ते हैं उन रास्तों में जो चारों ओर के नज़ारे हैं वो किसी भी बहुत ही शानदार टूरिस्ट पॉइंट से कम नहीं है। सामने की ओर आप देख सकते हैं, जैसा हमें बताया गया था, सामने की ओर गोल्फ कोर्स और एक चर्च भी है, लेकिन वहाँ अभी पर्यटकों का शायद जाना अलाउड नहीं है। तो हम अब यहाँ पर एंटर हो रहे हैं चिल्ड्रंस पार्क। चिल्ड्रंस पार्क में जो एंट्री टिकट है वो ₹20 का है, और अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत से झूले और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें छोटे बड़े बच्चे बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों के साथ नहीं भी आए हैं तो भी आपको चिल्ड्रंस पार्क में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी है इस पार्क में वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आप बस कुछ पल सिर्फ बैठे बैठे भी आसानी से चारों ओर के खूबसूरत नज़ारों के साथ बिता सकते हैं।
और अगर फोटो लवर्स की बात करें तो पूरे गुलमर्ग में ऐसी बहुत सी लोकेशंस हैं जहां पे आप अपनी बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग फोटोज क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद हम गुलमर्ग में फिश पॉन्ड गए, जिसके लिए भी आपको एक छोटा टिकट लेना होता है। यहाँ देखने के तौर पे हमें इतना कुछ खास नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे बाकी टूरिस्ट की भीड़ से दूर आप कुछ पल बहुत ही सुकून से बिता सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही हमारी जो गुलमर्ग की जो जर्नी है वो यहाँ पे एंड होती है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो गुलमर्ग से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी अभी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।